तो भाई फाइनली ड्राइव कर रहे हैं अपना नई वाली स्कॉर्पियो एन। मैंने कहा सर मेरे को ब्लैक गाड़ी लेनी है, इसको आप एक्सचेंज कर लो। मैंने कहा 5 लाख जो हमारी एक थिंकिंग आती है ना स्कॉर्पियो का नाम आते ही, हाँ जी हाँ जी, वो गाड़ी बिल्कुल चेंज कर दी है। तो कुल मिला के भाई गाड़ी जो टेस्ट ड्राइव लेंगे हम लेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेटा फिर एक बार आपके सामने आते हुए भाई एक नए व्लॉग के साथ में। काफ़ी दिन से ना कुछ प्लानिंग चल रही थी, हालांकि मेरी नई बाइक ही चल रही है। तो भाई का मन है अभी कोई एसयूवी कार लेने का, और एसयूवी कार लेने में भाई का जो मन कर रहा है वो है स्कॉर्पियो वाली है। तो भाई ने बोला यार भाई चलते हैं इस चीज़ को ना कंफर्म करते हैं स्कॉर्पियो में जो एन वेरिएंट है और क्लासिक वेरिएंट है इसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं, चीज़ को लेके आज थोड़ा इस ब्लॉग को बना रहे हैं। और देखना ये है कि भाई कौन सी गाड़ी ज़्यादा ठीक रहेगी कौन सी नहीं, प्राइस के अकॉर्डिंग भी और वैसे लुक वाइज भी और हर चीज़ में फीचर्स से लेके हर चीज़ से लेकर जो भी मतलब एक गाड़ी में चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को मैच करेंगे। अगर जो भी चीज़ ज़्यादा बेटर लगेगी फिर आज उस चीज़ को फाइनल कर देंगे भाई। और स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक, हाँ इन दोनों में से कोई एक, तो चलो कोई नहीं भाई इसी को देखते हैं भाई कौन सी करते हैं कौन सी नहीं। तो आज चलते हैं और इसी के साथ ही आज एक गाड़ी बुक करेंगे भाई फिर दोबारा, और अपनी एक नई गाड़ी आने वाली जल्दी, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। हालांकि मैं तो इनसे बोल रहा हूँ भाई सफारी ले लो, अरे कह रहे कि सफारी भाई तुम्हारे पास है ऑलरेडी है ऑलरेडी, तो क्यों लेनी फिर वो, इसे तो जब मर्जी हम आपसे ले लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे। तो मैंने कहा ये आइडिया भी बढ़िया है भाई, तो चलते हैं फिर भाई अपना गाड़ी देखते हैं कौन सी वाली फाइनल करें कौन सी नहीं। यार वैसे आपको मैं सही बताऊं मेरा मन हो रहा है यार अपनी जो गाड़ी है ना सफारी ये वाइट कलर में वापस करके ब्लैक कलर ले लिया जाए, ब्लैक एडिशन जो भी सफारी में अपडेट वर्जन आया है, तो भाई मेरा मन हो रहा है उसका लेने के लिए। क्योंकि मैं जब भी कोई ब्लैक सफारी देखता हूँ ना भाई बड़ा एकदम मन जो है ना भाई पिघल जाता है, तो ऐसा लगता है यार क्यों ना यार मैं भी ब्लैक ही लेता। और भाई मैं कंफर्म ब्लैक ही लेता, पर उस टाइम पे ना जो इस गाड़ी में ब्लैक एडिशन था वो ब्लैक एंड गोल्ड एडिशन था, वो मेरे को उसमें जो गोल्ड का था भाई वो मेरे को पसंद नहीं था, तो इसी वजह से भाई वाइट लिया मैंने। तो पर अब मेरा काफ़ी टाइम से ना भाई मन हो रखा है कि ब्लैक एडिशन ले लिया जाए, डार्क एडिशन ले लिया जाए, और उसमें हालांकि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है। और तो बहुत ज़्यादा जो बड़ा डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ जो वेंटिलेटेड सीट होती है ना गाड़ियों में उसके रिलेटेड उसमें डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज भाई गाड़ी में कोई फीचर्स में कोई चेंज नहीं है, पूरा सब कुछ यही है। बट एक कलर का थोड़ा माइंड सेट हो रखा है कि यार ब्लैक कलर ले लूँ, मन जब भी देखता हूँ ना तो इतना बढ़िया मन हो जाता है देख के गाड़ी को कि यार काश ब्लैक ही ले लेता तो ठीक होता। और मैं लेता भी ब्लैक, बट जब मैंने ली ना भाई उससे एक महीने बाद वो वाला एडिशन आया था, अगर पहले आ गया होता ना भाई तो कंफर्म भाई मैं ब्लैक लेता, बट चलो कोई नहीं। पे अभी लॉन्च हुई थी ना भाई तो मैं गया भी था टाटा के शोरूम, मैंने कहा सर मेरे को ब्लैक गाड़ी लेनी है इसको आप एक्सचेंज कर लो। तो भाई पता उन्होंने कितने रुपये काटे भाई, उन्होंने बोला मेरे को कि ठीक है सर मिल जाएगी बट 5 लाख रुपये कटेंगे। मैंने कहा 5 लाख, मैंने भाई ऐसा है मैं वाइट ही चला लूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इतना बड़ा स्टॉक नहीं है कि हाँ ब्लैक ही लेनी है तो 5 लाख रुपए काटूँगा भाई। क्योंकि यार भाई तभी मैंने गाड़ी ली थी एक महीने पहले गाड़ी लेने के बाद, उसके बाद तुरंत 5 लाख रुपए कटना यार बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सुनकर शॉक्ड हो गया कि यार 5 लाख रुपये अभी एकदम रिसेंट गाड़ी लिए, गाड़ी को लियो महीना भर भी नहीं हुआ और आप सीधा 5 लाख रुपये कट कर रहे हो। तो भाई मैंने तो उस टाइम मना कर दिया था, बाकी फ़िलहाल अभी तो भाई की गाड़ी देखने का प्लान है तो उसे देखेंगे और फिर उसको फाइनल करेंगे आज जो भी है। आज ही कर देना है फाइनल, आज ही कर देना है फाइनल, आज ही, आज ही, चलो तो आज ही कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मौसम की बात करें, मौसम अब तक जितने भी व्लॉग बनाए हैं ना भाई मैंने हर व्लॉग में भाई मोस्टली भाई बढ़िया ही रहता है, और आज भी इसी तरह से भाई बढ़िया ही मौसम हो रखा है एकदम सुबह से ही भाई एकदम मस्त वाला, और भगवान मेहरबान रहता है जब भी हम निकलते हैं भारत यार चलो मौसम तो बढ़िया करते हैं इसके लिए।
तो भाई फाइनली ड्राइव कर रहे हैं अपना नई वाली स्कॉर्पियो N, और अब आपको बताएंगे इसके बारे में कितने इसमें वेरिएंट है, कितना क्या फीचर्स है क्या नहीं, और कुछ चीज़ जो हमें नहीं पता होगी वो पीछे भाई बैठे हुए हमें इस चीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्या है गाड़ी में, कौन सा फीचर्स नया है कौन सा नहीं। तो अभी जितना मुझे पता भाई मैं आपको उतना बताता हूँ, गाड़ी में भाई 5 वेरिएंट है इसमें, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो इसमें 5 वेरिएंट आएंगे। और जैसे कि मेरी भाई से बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि अगर भाई आपको सनरूफ की ज़रूरत है, अगर आपको सनरूफ चाहिए तो उसके लिए आप मिड वर्जन लो। हैं भाई जेड वर्जन जेड सिक्स। तो भाई अगर आपको सनरूफ चाहिए तो जेड सिक्स लेना, अदरवाइज भाई कह रहे हैं कि जो इसे फीचर्स हैं ना वो सारे ही फीचर्स जो हैं बेस मॉडल में भी है, ऐसा ही है भाई। तो भाई सारे फीचर्स आपको बेस मॉडल में मिल जाएंगे। और बाकी गियर शिफ्टिंग की बात करें तो भाई गियर शिफ्टिंग में इसमें 6 गियर है भाई टोटल। और गाड़ी में भाई फीचर्स के बारे में कुछ बताओ, कुछ क्या नया है क्या नहीं पुराने स्कॉर्पियो के मुकाबले। वैसे तो खैर काफ़ी नया है, पुराने स्कॉर्पियो के मुकाबले पूरी गाड़ी चेंज की है, मतलब जो हमारी एक थिंकिंग आती थी ना स्कॉर्पियो का नाम आते ही, हाँ जी हाँ जी, वो गाड़ी बिल्कुल चेंज कर दी है, मतलब एक लग्जरी वो आ गया पूरा, फीचर्स के रफ एंड टफ के साथ साथ फीचर्स भी ऐड ऑन कर दिए, फीचर्स ऐड ऑन कर दिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इसका डैशबोर्ड देखो वाकई बहुत क्लासिक बनाया हुआ भाई, नाम देते हैं इसको रिच कॉफी ब्लैक कलर का इंटीरियर बोला जाता है इसको। ये इसमें भाई यहाँ पे डैशबोर्ड देखो लेदर में दिया हुआ है पूरा ब्लैक एंड कॉफी कलर के साथ में, तो भाई बहुत बढ़िया डैशबोर्ड जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा भाई, इंटीरियर एकदम काफ़ी शानदार है, मीटर बहुत शानदार बना हुआ है भाई इसका। हालांकि बस एक चीज़ की कमी है कि भाई इसमें ना वो होना चाहिए था डिजिटल बाकी भाई फिर स्कोर में पूरी वो हो जाती है ना, फिर इसलिए नहीं, हाँ चीज़ें रखी है पहले थोड़ा, मतलब लगना चाहिए हाँ भाई स्कॉर्पियो चला रहे हैं, थोड़ी तो फीलिंग आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई स्कॉर्पियो का इंटीरियर की बात करें भाई तो मेरे को फ्रंट बहुत अच्छा लगा भाई, स्पीकर किसके दिए हुए इसमें, सोनी साउंड सिस्टम, सोनी का पूरा मतलब सारा मतलब सिस्टम जो सोनी का है, 12 स्पीकर है, तो भाई 12 स्पीकर के साथ सोनी का साउंड सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो कुल मिला के भाई गाड़ी ठीक है बढ़िया है, अगर कंपेरिजन करूँ इसे मैं पुराने वाली स्कॉर्पियो से तो भाई बहुत बढ़िया है, एक नंबर है। और बाकी अभी एक क्लासिक को भी एक बार देखेंगे कि कैसी है कैसी नहीं। सो आपको भाई बता दें इसके 4x4 के फंक्शन के बारे में, जो कि आपको पूरी अच्छी तरह से भाई बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ नहीं है जो और गाड़ियों में आते हैं भाई 4x4 उसके मुकाबले इसमें ऐसा क्या है जो कि इसको नया नाम दिया गया है और किस लिए दिया गया है। तो भाई बताओ जरा भाई एक बार थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। भाई इस 4x4 का नाम दिया हुआ है 4Xplore इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जी। जैसे कि अगर आप अभी आप गाड़ी चला रहे हो, हाँ जी, अब आप इसमें देखें आप देखोगे 4 मोड दिए हुए हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नॉर्मल, ग्रासिनो, मड एंड रट और सैंड। अच्छा, इसमें आप 4 मोड दिए हुए हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके सामने गाड़ी अगर कोई मोड आ गया है, आपको गाड़ी 4H में चलानी है 4 लो में चलानी है, तो इस बेस पे क्या करेंगे आप गाड़ी को रोलर कर देंगे, जिस भी मोड फंक्शन पे आपको जाना उस पर आप यूज करके ना, हाँ जैसे आप रोल कर देंगे वो फंक्शन अपना आप एक्टिवेट हो जाएगा आपकी गाड़ी। अच्छा 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 अच्छा, ये इसमें फंक्शन दिया हुआ है इसलिए इसको नाम दिया है 4Xplore इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ये गाड़ी खुद ही एक्सप्लोर कर लेगी कि आपको कौन सा मोड लगना है कौन सा नहीं। तो भाई गाड़ी का ये फीचर्स के बारे में देखा जाता है भाई काफ़ी बढ़िया है भाई, जो लोग नहीं जानते भाई 4x4 किस तरीके से यूज़ करना है किस तरीके से नहीं, तो उनके लिए भाई ये फीचर्स है, गाड़ी इसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपना मोड सिलेक्ट करेगी कि कौन से मोड पे आपको 4x4 चलना है कौन से पे नहीं। तो मोड की बात करें तो भाई ये मेरे को बढ़िया लगा इस गाड़ी में, एक नया फीचर्स जो देखने को मिला और वो भी महिंद्रा की गाड़ी में, भाई मज़ा आ गया देख के इस वाला फीचर्स को, और गाड़ियों में भी नहीं मिलता है भाई ये। वो फॉर्च्यूनर वगैरह की बात करो आप, ना है उनमें है ना एंडेवर में है, तो महिंद्रा की गाड़ी में आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया फीचर्स लगा 4x4 का। भाई गाड़ी में स्पेस की बात करें भाई, मैं अभी पीछे वाली सीट पे बैठ और जो स्पेस है भाई बिल्कुल 4 उंगलियों का स्पेस है भाई यहाँ पे, ड्राइवर सीट ये पूरी पीछे हो रखी है, उसके बाद इतना स्पेस है तो भाई उसके हिसाब से तो फिर तो ठीक है, अगर उसके बाद इतना स्पेस है फिर ठीक है, अदरवाइज़ ये इतनी तब होती थी, अभी पीछे भी होगी और उसके बाद इतना स्पेस होता वो कम होता, बट अभी कंफर्टेबल है एकदम बढ़िया है। और आपको देखो मैं यहाँ का भी स्पेस दिखाता हूँ, ये देखो भाई, भाई ने भी काफ़ी पूरी सीट जो पीछे करी है और उसके बाद भी इतना जो स्पेस बचता है भाई, तो स्पेस भाई बीच वाली रो में तो बढ़िया है। तो
स्पेस वाइज भाई गाड़ी ठीक है, पर बीच वाली जो रो है ये बढ़िया है भाई, और पीछे की जो रो आप देखोगे तो उसमें भाई बहुत ही कम स्पेस है, और बूट स्पेस देखोगे तो भाई वो भी काफ़ी कम नज़र आ रहा है इसमें गाड़ी में। बाकी ऑल ओवर भाई 5 सीटर के अकॉर्डिंग गाड़ी एक नंबर है, पर अगर पीछे थर्ड रो में जाओगे तो वहाँ पे भाई स्पेस थोड़ा कम है, बूट स्पेस भी कम है, और बीच का जो स्पेस है पैर वैर रखने का वो भी बहुत कम है। तो भाई गाड़ी की थर्ड रो के एसी की बात करें तो भाई मेरे को सबसे जो है कि इसमें वीक पॉइंट लगा वो ये लगा भाई कि गाड़ी के थर्ड रो में ना भाई एसी ही नहीं है भाई। एसी मिलेगा आपको वो मिलेगा भाई सिर्फ फ्रंट पे और मिडल रो में, लास्ट वाली रो में थर्ड रो में इसमें एसी ही नहीं है भाई। तो भाई ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट मेरे को इस गाड़ी में लगा। हो सकता है भाई कई लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मैटर ना पड़ता हो, बट मुझे तो भाई ये चीज़ बहुत खली कि इसमें थर्ड रो में एसी नहीं है भाई, क्योंकि हर 7 सीटर कार में थर्ड रो में एसी आता है बट इसमें नहीं है भाई। जो टेस्ट ड्राइव लेंगे हम लेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक की, जो कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो उसको अपडेट किया हुआ भाई, तो अब उसकी भाई टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ये भाई अपने स्कॉर्पियो क्लासिक का भाई पुराना वाला अपना डैशबोर्ड पूरा एकदम भाई वही बढ़िया वाला अपना पुराना यादगार, स्टीयरिंग बढ़िया बना दिया भाई पहले से, इधर से पूरा ग्लॉसी कर दिया है, पहले वाले में नहीं आता था भाई, और लोगो चेंज हो गया, आगे की ग्रिल भी चेंज है वो भी दिखाएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। तो फिलहाल इसको चलाते हैं उसके बाद बताते हैं भाई आपको। तो कंपेयर करें भाई स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन में भाई सबसे पहला डिफरेंस जो है भाई मेन डैशबोर्ड का डिफरेंस है भाई, उसका जो डैशबोर्ड है भाई थोड़ा बड़ा है आगे की तरफ है मतलब ड्राइवर साइड की तरफ, और इसका थोड़ा बोनट की तरफ ज़्यादा हिट कर रहा है, और बाकी चलाने में तो भाई ऑब्वियस है भाई वो अपडेट वर्जन है इसमें पूरा सिस्टम ही नया है, तो भाई ये चलाने में बढ़िया वो लग रही थी, स्मूथ थी इससे काफ़ी ज़्यादा, और टर्निंग पॉइंट भी बहुत अच्छी थी। स्कॉर्पियो में भाई वो वाली चीज़ ख़त्म कर दी, जो पहले टर्न लेते टाइम भाई गाड़ी कम से कम 10 बार हिलती थी, तो अब वो चीज़ें नहीं है भाई, बस उसमें थोड़ा सा जो मेरे वीक पॉइंट लगा भाई थर्ड रो में एसी नहीं है भाई, ये थोड़ा मेरे को वीक पॉइंट लगा स्कॉर्पियो में। बाकी चलाने में भाई ठीक है बढ़िया है एकदम, और उसका सबसे अच्छा मेरे को भाई और 4x4 वाला सिस्टम लगा बहुत बढ़िया। और इस गाड़ी की बात करें तो भाई गाड़ी का लुक जो है थोड़ा चेंज किया है भाई, अंदर से इंटीरियर भी देखोगे तो आप पहले वाले स्कॉर्पियो जो आती थी उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीरियर भाई थोड़ा चेंज है ये देखो भाई, और इसका स्टेयरिंग भाई बहुत बढ़िया लगा मेरे को एकदम इस गाड़ी में, क्लासिक का स्टेयरिंग वाकई में क्लासिक है भाई, बढ़िया लग रहा है भाई स्टेयरिंग एकदम। अगर बात करें भाई प्राइस की तो दोनों में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, इसमें 2 वेरिएंट है इस वाले क्लासिक में, क्लासिक में, और जो बेस मॉडल है कितने का भाई क्लासिक का 14 लाख रुपए का, और टॉप मॉडल 18 लाख रुपए का। हाँ उसका टॉप मॉडल कितने का है वो आपका नॉर्मल तो 22,60,000 का है, और ऑटोमेटिक 25-26 का है, 4x4 आपका 28 का है। ऑटोमेटिक कितने का है 25,26,000 का, और मैनुअल लेंगे तो वो पड़ेगा 22 लाख का। तो भाई अगर आपको स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल लेना है मैनुअल में तो वो पड़ेगा 22 लाख का, और ऑटोमेटिक चाहिए तो वो पड़ेगा भाई 25,26,000 रुपये का। बेस मॉडल उसका भी स्टार्टिंग 14 से है और इसका भी स्टार्टिंग 14 से है, बट इसका जो टॉप मॉडल है भाई 18 लाख रुपये का है। और स्कॉर्पियो की अगर जो बात है एकदम जो दिखता है गाड़ी में वो भाई क्लासिक में ही दिख रहा है भाई कि हाँ कुछ चीज़ है। अभी मैं आपको इसका बाहर से फ्रंट दिखाऊंगा भाई, बहुत चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। तो एक ग्रिल जो है भाई पूरी चेंज कर दी गई है भाई ग्रिल, और इसका लोगो भी जो है भाई वो भी चेंज कर दिया भाई पूरा, और अलॉय जो है भाई वो भी चेंज कर दिए हैं पहले वाले स्कॉर्पियो के मुकाबले, और इसमें भाई पीछे की तरफ ना एक रिफ्लेक्टर डाला जो कि लगता है पूरा लाइट की तरह, ये देखो भाई ये रिफ्लेक्टर है, पहले यहाँ पे ब्लैक शेड में पूरा वो बना हुआ था बट अब वो हटा के पूरा रिफ्लेक्टर है कि बढ़िया वाला कर दिया, ये लुक कर दिया पूरी गाड़ी की। तो भाई ऑलमोस्ट क्लासिक जो है भाई पूरी चेंज कर दी है फ्रंट और बैक के मुकाबले। भाई ब्लैक कलर की बात करें तो भाई ये है ब्लैक कलर का लुक स्कॉर्पियो एन का, क्लासिक के मुकाबले एन ठीक है भाई, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ भाई। काफ़ी देर के बाद डिसीजन ले लिया, पर जो डिसीजन लिया भाई डिसीजन बताएंगे आपको शुभम भाई, तो
सीधा आपको मिलवाते हैं शिवम भाई से। हाँ जी शिवम भाई, तो दोनों गाड़ियों को देखने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि अगर आपको स्कॉर्पियो लेना है तो आपको रुबाब के ले लेना है, और रुबाब जो है वो स्कॉर्पियो क्लासिक में था। स्कॉर्पियो एन बहुत बढ़िया गाड़ी लगी मेरे को इन टर्म्स ऑफ कम्फर्टेबिलिटी। आपको रिलैक्समेंट बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो में, एक लग्जरी फील है जो कि अभी सफारी में मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं सफारी में ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस फील आता है, बट स्कॉर्पियो ने भी स्कॉर्पियो एन ने भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेवल अप करने की कोशिश करी है और वो लग्जरी फील अपने अंदर लेकर आए। बट जैसा हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, एक रुबाब, एक लुक, एक मतलब अट्रैक्शन क्रिएट करने का, तो उसके लिए स्कॉर्पियो क्लासिक ही बेस्ट था। तो फाइनली मैंने स्कॉर्पियो क्लासिक बुक कर दी है, और अब देखते हैं कि कमेंट्स में क्या रिस्पॉन्स आता है, लोगों के और क्या रिव्यूज आते हैं। अगर इसके हिसाब से सब ठीक रहा तो स्कॉर्पियो क्लासिक ही फाइनल रहेगी। महीने डेढ़ महीने तो बोल ही रहे हैं ना अभी वो देने के लिए। वो कह रहे हैं डेढ़ दो महीने में आ जाएगी, मतलब डिलीवरी हो जाएगी, तो तब तक बहुत सारे तब तक ये भी रहेगा ना कि स्कॉर्पियो आने के जो मतलब वैसे ऑनर है उनसे भी थोड़ा सा व्यू मिल जाएंगे तेरे को। अगर लगता है तो यहाँ पर चेंज करनी चाहिए तो कर लियो, वरना स्कॉर्पियो क्लासिक तो खैर स्कॉर्पियो क्लासिक हाँ मजा, वो पुराने वाले स्कॉर्पियो का पूरा फील है। स्कॉर्पियो एन कम्प्लीटली न्यू है, चलने में भी चलाने में भी लुक वाइज भी, तो खैर फिर भी स्टिल आई प्रेफर स्कॉर्पियो क्लासिक। तो भाई जैसे कि आपने भाई का डिसीजन सुना कि भाई जो प्रेफर कर रहे हैं क्लासिक के लिए, और बस थोड़ा सा ये है कि एक बार ना जो पर्सनल ओनर है स्कॉर्पियो यानी कि जिन्होंने ली हुई है उनसे भी अगर थोड़ा बहुत रिव्यू मिल जाएंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उनसे ही पूछ लेते भाई कैसी चलाने में है कैसी नहीं, तो देखते हैं उनका भी रिव्यू ले लेंगे। बाकी आप लोग भी बताओ कि कौन सी वाली ज़्यादा बेटर रहेगी, स्कॉर्पियो यानी के साथ जाना ठीक रहेगा या क्लासिक के साथ जाना ठीक रहेगा। बाकी दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन मैंने आपको बता ही दिए भाई काफ़ी हद तक, बाकी ऑलमोस्ट भाई गाड़ी बढ़िया है, स्कॉर्पियो एन भी अपनी जगह अच्छी है, स्कॉर्पियो क्लासिक भी अपनी जगह अच्छी है। बाकी आप लोग बताओ कि कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ठीक है भाई, अब फिलहाल अपना घर पहुँचते हैं, इसी के बीच अगर कुछ नया होता है तो वो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज वीडियो को एंड कर देंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी, स्कॉर्पियो एन या स्कॉर्पियो क्लासिक। तो आप सब लोग भी हेल्प करो थोड़ी सी, जो आपको ठीक लगे आप भी बताओ, आपके कमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, अगर आप कुछ बताओगे तो उसी हिसाब से भी मैनेज हो सकता है। अगर आप लोग जैसे भी सपोर्ट करोगे या जो भी हमें गाइड करोगे तो उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसी के साथ अगले व्लॉग में भाई आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है, भाई देखो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो हो सकता है कि आप सबके लिए भी वो सरप्राइज हो, और जल्दी से जल्दी एक नया व्लॉग आएगा अपना एक सरप्राइज के साथ। तो अपने अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नए बढ़िया सरप्राइज के साथ में, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो इसी के साथ ही सभी को और मेरी तरफ से राम राम जी, बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब ध्यान रखो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, ओके बाय बाय।